यही साथियों, मैं एडवोकेट नदीम सिद्दीकी आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ हमारी ऑनलाइन वेब सीरीज ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन एंड कनेक्शन का छठा एपिसोड लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें। कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मेरी नज़र में एक न्यूज़ गुजरी जिसमें लिखा हुआ था कि अपने आधार कार्ड को पैन से मार्च 2021 से पहले पहले लिंक कर लें, नहीं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अभी न्यूज हमने पढ़ी, फिर हमने और हमारे टीम में न्यूज पर रिसर्च किया तो हमें पता चला कि नहीं, ये न्यूज सही है और हमें जो है अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना है। तो हमने और स्टडी की उसकी और रिसर्च की। बहुत आसान तरीका है, ये तरीका मैं आपको बता दूँ। एक इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अभी यहाँ पे आ जाएगा उसका लिंक। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे वो पेज खुलेगा वो आपसे आपका पैन नंबर पूछेगा, आप पैन नंबर डालिए। आधार नंबर पूछेगा, आप आधार नंबर डालिए। उसके बाद वो आपसे पूछेगा नेम एट पर आधार, जो स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में लिखी हुई है वही स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है, आपके नाम डालिए, कंफर्म कीजिए, सबमिट कीजिए। अगर आपका आधार पैन से लिंक होगा तो वो बताएगा ऑलरेडी लिंक, और अगर नहीं होगा तो वो लिंक कर देगा, एक दिन दो दिन के बाद वो ऑटो लिंक हो जाएगा। इतना करना इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमने नहीं किया, भूल गए, तो आगे जब भी हमें पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे बैंक में या और कहीं पे भी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है और कहीं पे, यहाँ पे भी हमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमारा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा तो जो है हमें 10,000 रुपये का फाइन लग सकता है। इसके लिए अभी 3 महीने से ज़्यादा का वक्त है। मैं मेरे सुनने वाले मेरे देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो तमाम लोग जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड को पैन से लिंक कर लें, और कोई तकलीफ होती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी और कोई खबर आएगी तो मैं फिर हाजिर रहूँगा, जब तक के लिए जय हिंद।